फिर मतलब यार अभी दीपक यार कैसे कर गया यार मेरे से ये है? मेरा कब से पीने का मन था और कितना नहीं मैं कितना कितना बड़ा भूल हो गया मेरे से कितना ध्यान से बनाया Now it's time to लाल घोड़ाला बाहर काढण्यात चालू हो गया मेरा शेर कोजागिरी के बारे में ख्वाजा नहीं कोजागिरी प्रोनाउंस कर कोजागिरी यस यू डिड इट ब्रो कोजागिरी तो क्या पता है कोजागिरी के बारे में कोजागिरी के बारे में मुझे सिर्फ अभी सुबह से इतना ही पता चला है जो मेरे इधर के दोस्त हैं उनके स्टेटस से कि एक फेस्टिवल होता है उस ये पूर्णिमा के दूध पीने के लिए शाम को पूरे फ्रेंड और अपने मतलब कोजागिरी के बारे में मिलेगा ना बेटा तेरे को दूध मिलेगा जब तू जगह पे जाके बैठ
तर गणपती झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी रूम मध्ये एक वेगळंच वातावरण आहे. बाकीची मंडळी प्रिपेअर करण्यासाठी लागली माझं, फटाके उडतायत. कोजागिरीसाठी जोरात सेलिब्रेशन चालू आहे सगळ्याच, आमचंही सेलिब्रेशन चालू आहे. तर आज वेगळंच वातावरण आहे. तर कोजागिरी का साजरी करतो हे तुम्हाला लवकरच कळणार. मतलब यार अभी दीपक यार कैसे गिर गए यार मेरे से ये है? मेरा कब से पीने का मन था और कितना नहीं मैं कितना बड़ा भूल हो गया मेरे से. कितना ध्यान से बनाया था उसको. नहीं नहीं जो दो वाटी बचा था वो भी बहुत खतरनाक हुआ था. मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास. अभी क्या कर रहे है? अभी मसाला दूध तो गया गटर में, तो अभी बाहर गए पी के आएंगे जो ये चकन चौक पे मार्केट पे बेचते हैं वहाँ पे पी के आएंगे. अभी क्या है, मन तो बहुत कर रहा था पर मैंने बस पानी में डलवा दी पूरी. मतलब जो था वो गटर में बह गया. यार कैसे हुआ ये मेरे से? हो गया. मतलब मैं काफी, मतलब तुम लोग जो अंदर से गालियाँ बक रहे हो, मतलब चेहरा भी देखो कितना उदास लग रहा है. लग रहा है ना? हंस रहो? हंस किधर रहो? ये मेरा चेहरा है, उदास में जब रहता हूँ तब ऐसे ही दिखता हूँ. तो ये कोजागिरी सेलिब्रेट करते हैं ना, मतलब चार महीने का जो बारिश का मौसम रहता है वो खत्म होता है ना. ओके. तो उसके बाद तो जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा पता है ना, मतलब चार साल में दिख जाता है पूरी तरह से. तो बारिश के मौसम के बाद पहली बार आती है. तो उस टाइम उस पूर्णिमा के बाद आकाश में बादल, मतलब आकाश खुला खुला रहता है और उसमें चांद ये मतलब देखने का बहुत सही रहता है. तो ये उसी का उत्सव है. लोग दूध बनाते, मसाला दूध बनाते और जब चांद पूरा निकलता है, मतलब 99.99% चांद पूरा दिख जाता है, तो उसको दूध में देख के उसका मजा लेते हुए लोग सेलिब्रेट करते हैं. और इसके पीछे पुरानी कहानी है, पूर्वजों से जो चली आ रही कहानी ऐसी है कि उस दिन लक्ष्मी जो चांद मंडल है वहाँ से धरती पे आती है रात को 12 बजे और वो पूछती है कि को जागृति, को जागृति मतलब कोई जाग रहा है क्या. तो ऐसा वो पुकारती है. अगर उस टाइम कोई जाग रहा रहता है, जागा रहता है, तो उसको वो आशीर्वाद देती है, मतलब आशीर्वाद बरसाते हैं उसके ऊपर, ऐसा बोलते हैं लोग. उतरना बाबा.